नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, इंडिया 9 बजे में आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में मैगी हो गई है 15 दिन के लिए बैन, यानी कल से अगले 15 दिन तक मैगी को भूल जाइए। भूख लगी, कुछ मजेदार खिलाओ ना। 2 मिनट मैगी वेज आटा नूडल्स विद ग्रेन शक्ति, जिसमें है 3 रोटी के फाइबर के गुण, हेल्थ को मजेदार बनाने का एक और तरीका। मैगी, मैगी, मैगी। जी हाँ, देश में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले स्नैक्स पर ग्रहण लग गया है, क्योंकि मैगी में जहरीले तत्व जरूरत से ज्यादा पाए गए हैं। मैगी में लेड ज्यादा पाया गया है, वो लेड जो आपको बीमार, बहुत बीमार कर सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, किडनी फेल हो सकती है। मैगी में लेड के अलावा MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट भी जरूरत से ज्यादा पाया गया है। MSG यानी वो तत्व जो आपका वजन बढ़ा सकता है, त्वचा बिगाड़ सकता है, सिर और गर्दन में जलन दे सकता है। कल तक जैसे मैगी आंखों का तारा था, आज विलन बनता जा रहा है। देश के कई राज्यों और विभागों में मैगी का स्वाद कड़वाने लगा है। दिल्ली में 15 दिन का बैन, उत्तराखंड में मैगी की बिक्री बंद, सेना में मैगी की बिक्री रुकी। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे और नागपुर से मैगी के नए सैंपल उठाए गए। जम्मू कश्मीर में भी जांच जारी। कर्नाटक में भी मैगी के सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार। बिग बाजार, फूड बाजार, फेयर प्राइस, इजी डे में मैगी बैन। दिल्ली के केंद्रीय भंडार में भी नहीं मिलेगी मैगी। आंध्र प्रदेश में मैगी की सेल घट गई। तेलंगाना में मैगी के सैंपल लिए गए। तमिलनाडु में मैगी पर बैन की मांग गहराई। जब से पता चला है कि मैगी में कुछ खराबी रहती है, तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। न्यूज में पढ़ा है तो अब हमें बहुत डर लगता है। हमने मैगी नहीं खाई। हमने मैगी नहीं खाई। मैगी में बिहार में मैगी के 16 नए सैंपल जांच को भेजे गए। गुजरात में भी मैगी के 38 सैंपल की जांच होगी। पश्चिम बंगाल में मैगी के बाद अब कुरकुरे और लेज चिप्स की भी जांच। इधर जनता और सरकारों का पारा चढ़ रहा था। मैगी अग्नि परीक्षा में बारी बारी से फेल होती जा रही थी। मैगी के विज्ञापन करने वाले सितारे बगले झांकते हुए सफाई दे रहे थे। मैगी के बाद नेस्ले कंपनी की ओर से बनाए जाने वाले बच्चों के दूध की भी जांच शुरू हो रही थी। उधर स्विस कंपनी नेस्ले का शेयर गोते खा रहा था। देखिए 2 मिनट के स्वाद पर लंबा ग्रहण। देखिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा कांड, मैगी कांड। मैगी की विस्तार से इंडिया 9 बजे में करेंगे बात, लेकिन पहले आइए देखते हैं क्या है मोदी योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी बन गए हैं योग गुरु। अगले 18 दिन तक हर दिन प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर देंगे योग मंत्र। ताड़ासन के साथ शुरू हो गई है मोदी सर की योग क्लास। योग दिवस को खास बनाने की प्रधानमंत्री मोदी ने की है पूरी तैयारी। 21 जून को सियासी दूरियों को पाठ देगा योग, जब राजपथ पर आएंगे सोनिया, राहुल और केजरीवाल। ये योग की ताकत है, ये योग का असर है, जिसमें बिसरा दिए गए हैं राजनीतिक मतभेद। ये है मोदी योग। दुनिया के पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब बनाने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है। सियासत के रेप्टिलियन राहों पर तमाम वारों के जरिए एक दूसरे को फिसलाने की कोशिश से दूर इस मौके को प्रधानमंत्री ने चुना है राजनीतिक मतभेद भुलाने के लिए। प्रधानमंत्री ने 21 जून के भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सोनिया गांधी, राहुल और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी बुलावा भेजा है। देश की राजधानी में जब 21 जून का सवेरा राजपथ पर रोशन होगा तो नजारा दिल थाम लेने वाला होगा।
ये दिन लिख दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजपथ पर एक साथ करीब 45,000 लोग नजर आ सकते हैं। इतने सारे लोगों का एक ही वक्त पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में योग करना बेशक यादगार लम्हा साबित होने वाला है। ये एक ऐसे लम्हे में भी तब्दील हो सकता है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब में दर्ज हो जाए। इस लम्हे को और यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सियासी दूरियों को भुलाने का दिन भी बनाने का फैसला किया है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी न्योता भेजा है। वैसे भी योग के सैकड़ों आसन सियासी घमासान को कुछ तो कम कर ही सकते हैं। पीएम का योग मंत्र लोकतंत्र के लिए भी सेहतमंद साबित होने वाला है। कार्यक्रम तो मेन दिल्ली में हो रहा है, इसलिए दिल्ली के सीएम को भी हम बुलाएंगे। सर, आपने जिस तरह से कहा कि अपोजिशन को भी आप बुला रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी? हाँ, जरूर जरूर, जिनका तो हक बनता है, हम तो उनको निश्चित तौर से बुलाएंगे। हालांकि सोनिया और राहुल की मौजूदगी को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। केजरीवाल के दफ्तर की तरफ से भी 21 जून को राजपथ पर योगासन आजमाने को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। वैसे कांग्रेस ने इस मौके को भी सियासी वार के लिए इस्तेमाल करने में कसर नहीं छोड़ी। मैं किसी प्रोग्राम के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, ये चीजें कहीं और निर्णित होती हैं। तकनीक है, नीति है, स्टाइल है माननीय मोदी जी और मोदी जी सरकार की, कि हल्ला गुल्ला खूब हो, हाइप खूब हो, जमीनी सच उस हाइप और हल्ले गुल्ले से पूरी तरह से परे हो, विपरीत हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योग के रिश्ते से दुनिया वाकिफ है। ये पीएम मोदी ही हैं जिन्होंने योग को लेकर एक सपना देखा और बेहद कम वक्त में उस सपने को जमीन पर उतार भी दिया। इस सपने की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब प्रधानमंत्री स्कूल में थे। તો હું પણ રેગ્યુલર 5 વાગે વ્યાયામશાળા પર જતો, વ્યાયામશાળામાં એ મલસમ શીખવાડતા। મલસમ જેને કર્યો હશે ખબર હશે કે જેના શરીરમાં આસનો અને યોગની આદત હોય એ મલસમમાં ખૂબ સફળ થાય। यूं तो इस कार्यक्रम के लिए खास तौर से आयुष मंत्रालय को लगाया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद व्यक्तिगत तौर पर पूरे आयोजन पर नजर रखे हुए हैं। हाल ही में सभी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई थी। राजपथ पर होने वाले 35 मिनट के मुख्य कार्यक्रम में योग के करीब 1.5 दर्जन आसन किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा उनकी पूरी कैबिनेट, 45,000 से ज्यादा लोग, सरकारी कर्मचारी, डिप्लोमेट, सेना के जवान और एनसीसी कैडेट हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी सांसदों को भी न्योता दिया गया है। सरकार का दावा है कि 1,00,000 लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। सरकार के इस महा कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन सरी की फिल्मी हस्तियां भी सरकार के इस महा कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। कई दूसरे कलाकारों और हस्तियों को भी इस खास मौके के लिए न्योता भेजा जा रहा है। अभी मुझे इन्विटेशन नहीं मिला है, मुझे बोला गया है कि अगर मैं कोई वीडियो संदेश दे सकता हूं, मैं जरूर दूंगा। हर सुबह मैं थोड़ा योग करता हूं। 177 देशों के सहयोग से प्रधानमंत्री मोदी का सपना 21 जून को हकीकत में तब्दील हो रहा है। अब सबको इंतजार है उस घड़ी का जब योग मुद्राओं के साथ राजपथ पर सियासी मुद्राएं भी अपना कमाल दिखाएंगी और पीएम मोदी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, सोनिया गांधी और राहुल एक साथ खड़े दिखाई दे सकते हैं। योग दुनिया भर को भारत की ही देन है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली की भागम भाग में योग जैसी प्राचीन पद्धतियां कहीं पीछे छूटती जा रही थी। सरकार इस कार्यक्रम के जरिए योग को उसकी खोई ख्याति वापस दिलाने और स्वस्थ भारत की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने की पहल कर रही है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN7। मैगी के बारे में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। आखिर दशकों से छोटे छोटे बच्चों ने, परिवारों ने जब भी भूख लगी है, जल्दी से कुछ बनाना है, तो उन्होंने सीधे सीधे मैगी खाया। 2 मिनट नहीं, 5 मिनट में बनती थी, मगर बनती थी। अब दिल्ली सरकार ने मैगी की बिक्री पर 15 दिन के लिए बैन लगा दिया है।
आज नेस्ले के अफसरों की बैठक के बाद सरकार ने यह फैसला लिया। दिल्ली से केरल तक देश भर में मैगी पर छा गया है महासंकट। तकरीबन हर राज्य का खाद्य विभाग मैगी के नमूनों की जांच में जुटा हुआ है। कई मल्टी स्टोर चेन्स ने मैगी को रखना अब बंद कर दिया है। दिल्ली में तो मैगी फेल भी हो चुकी है। लेड और MSG जैसे खतरनाक केमिकल्स की मौजूदगी ने मैगी को सेहत के लिए बेहद नुकसानदेहक बता दिया है। हालांकि नेस्ले ने इस मामले में सफाई दी है, लेकिन अब केंद्र सरकार भी पूरे मामले पर पैनी निगाह बनाए हुए है। भूख लगी है, कुछ मजेदार खिलाओ ना। दो मिनट मैगी वेज आटा नूडल्स विद ग्रेन शक्ति, जिसमें है 3 रोटी के फाइबर के गुण। हेल्थ को मजेदार बनाने का एक और तरीका मैगी, मैगी, मैगी। कल तक जो मासूम बच्चे मम्मी से मैगी बनाने की जिद करते थे, आज उन्हीं बच्चों के हाथों में मैगी के पैकेट हैं और जुबान पर मैगी के खिलाफ नारे। पंजाब के लुधियाना में मैगी के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहे थे, जब मैगी का प्रचार करने वाले अभिनेताओं के पोस्टर फूंके जा रहे थे, तब दिल्ली में बंद कमरों के भीतर सरकार और मैगी बनाने वाली स्विट्जरलैंड की मल्टीनेशनल कंपनी नेस्ले के अधिकारियों के बीच माथापच्ची चल रही थी। सरकार ने 15 दिन के लिए 415 डेज मैगी के ऊपर बैन लगाया है। मैगी के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो बिल्कुल मैं समझता हूँ सही है और इसको टोटली बैन किया जाना चाहिए और हम लोगों ने इस पर सख्त निर्देश भी दिए हैं कि इसकी बिक्री नहीं होनी चाहिए। करीब आधे घंटे की बैठक के बाद ऐलान हो गया देश की राजधानी दिल्ली में मैगी पर 15 दिन का बैन। एक स्टोर में हम केंद्रीय भंडार में चंद्रपाल यादव हैं, यहाँ पे मैनेजर इसके। चंद्रपाल जी, मैगी पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है अगले 15 दिन तक। जी अच्छा हुआ है, अगर किसी चीज में इस तरह की कोई कंप्लेंट आया है, कोई शिकायत है और किसी को हानि पहुंचाती है तो उसका अच्छा है कि उस पर बैन लगना भी चाहिए। और इसी के साथ दिल्ली समेत कई राज्यों से मैगी दुकानों बड़े स्टोर से गायब होने लगी। सेना ने भी मैगी से किनारा कर लिया। बिग बाजार, इजी डे, फेयर प्राइस और फूड बाजार में भी मैगी का प्रवेश वर्जित हो गया। और तो और, दिल्ली के केंद्रीय भंडार से मैगी की बिक्री बंद कर दी गई। जाहिर है इस पसंदीदा नूडल ब्रांड में इतना जहर मिलने की खबर से पूरा देश सन्न था। केंद्र सरकार के दो दो मंत्रालय भी अलर्ट पर हैं। यदि उसमें सामान मिलाया जाता है जिसे लीड के संबंध में कहा जाता है और भी चीजें हैं, तो यदि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है और शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। साफ था मैगी कटघरे में है। जांच में पाया गया है कि मैगी में खतरनाक लेड और MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा तयशुदा मात्रा से कहीं ज्यादा है। बताया गया है कि UP में की गई जांच में मैगी में लेड की मात्रा 17.2 PPM पाई गई, जबकि ये मात्रा किसी भी सूरत में 0.01 से लेकर 2.5 PPM से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं दिल्ली में करीब 2 गुना ज्यादा लेड की मात्रा मैगी में पाई गई। मैगी के सैंपल जांच के लिए उठाने की खबरें एक के बाद एक तमाम राज्यों से आने लगी। साथ ही हैरान परेशान लोगों का गुस्सा और डर भी दिखने लगा। आप यहाँ पर आते हैं क्या, अब आप मैगी खरीदते हैं? नहीं, पहले मुझे मैगी बहुत अच्छी लगती थी, मैं हर रोज खाता था, मगर जब से पता चला है कि मैगी में कुछ खराबी रहती है, तब से मुझे बहुत डर लगने लगा है। घर के लोग भी बोल रहे हैं कि मैगी मत खाओ, उससे सेहत तुम्हारी खराब हो जाएगी, इसलिए अब मैं मैगी नहीं खाता। सर 100% जो हमारी सेल थी वो 50% डाउन हो चुकी है, और मतलब जो मतलब स्टॉक में है वो तो अभी चल ही रहा है। इसी बीच मैगी का प्रचार करने वाले अभिनेता भी सफाई देते दिखे। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैगी का उनका विज्ञापन तो 2 साल पुराना है और अब उनका मैगी से कोई नाता नहीं। मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस, एज सून एज आई विल गेट इट आई विल पुट इट अप टू माय लॉयर्स एंड वी विल फुली कोऑपरेट विद व्हाटएवर द लॉ सेज। वहीं अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने भी ट्वीट किया, मैं खबरें पढ़ रही थी कि मैगी के 12 साल पुराने विज्ञापन के लिए मेरे खिलाफ केस किया गया है। 12 साल पहले, ऐसा कैसे हो सकता है? इसी बीच मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले ने भी सफाई दी, हमारी कंपनी को अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें अब तक
केंद्र या राज्य सरकार के FDA अधिकारियों से मैगी को बाजार से हटाने का कोई निर्देश नहीं मिला है। हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार के FDA से ये निर्देश मिले थे कि फरवरी 2014 में बनी मैगी को हटा लिया जाए। फरवरी 2014 में बनी मैगी नवंबर 2014 में बेस्ट बिफोर डेट तक पहुंच चुकी थी। लेकिन नेस्ले के लिए बुरी खबरों का आना जारी रहा। शेयर बाजार में कंपनी का शेयर करीब 10% के आसपास गिरा। बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों में कंपनी में निवेश करने वालों को 8,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि गोवा ने मैगी को क्लीन चिट दे दी। केरल में भी मैगी के सैंपल में खतरनाक तत्व तयशुदा मात्रा से ज्यादा नहीं पाए गए, लेकिन अगले 2 दिन मैगी के लिए बहुत अहम है क्योंकि कई राज्यों में जांच रिपोर्ट आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कई साल से खास तौर पे वर्किंग वुमेन की पहली पसंद बन गई थी मैगी। पर लड़के ज्यादा जानकारी नहीं दे पा रही थी, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर जब गोवा पुलिस ने उनका मेडिकल टेस्ट कराया तो पता चला कि उनके साथ गैंगरेप हुआ है, दोनों लड़के के साथ गैंगरेप हुआ है। के बाद ही जब पुलिस ने लड़कियों के ATM और बाकी चीजें उनके उनको टेस्ट करना शुरू किया तो पता चला कि जो आरोपी है उन्होंने एक दिन पहले उन्होंने 1.5 लाख रुपए निकाले हैं। उसी ATM की जो CCTV कैमरे लगे थे उसी के आधार पर उसने। जी विवेक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए, लेकिन विस्तार से अपडेट्स के लिए आगे बुलेटिन में आपके पास आते रहेंगे। इंडिया 9 बजे में आइए आपको मिलवाते हैं अब ईरान की 28 साल के खूबसूरत कलाकार से। इस कलाकार को 12 साल 9 महीने की कैद की सजा दी गई है और इसका गुनाह यह है कि एक कलाकार है, एक कार्टूनिस्ट है। यह है अतीना फर्कदानी। अतीना ने ईरान की संसद के एक फैसले पर सवाल उठाते हुए कार्टून बनाया था। वहां की संसद ने महिलाओं के परिवार नियोजन करने पर रोक लगा दी थी। जाहिर है ईरान की सैकड़ों दूसरी महिलाओं की तरह अतीना को भी नागवार गुजरा और उन्होंने इसके खिलाफ कार्टून बनाया। कार्टून में अतीना ने ईरान के सांसदों के सिर पर जानवरों के सिर लगा दिए। अतीना शायद ये बताना चाह रही थी कि महिलाओं के बारे में फैसला लेने का इख्तियार इन लोगों को नहीं जो दरअसल मानवीय मूल्यों को नहीं समझते और जो शायद किसी जानवर सरीक ही सोच रखते हैं। अतीना के इस कार्टून को ईरान की संसद की तौहीन बता दिया गया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में उस पर जुल्म किए गए। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने जेल में जुल्म सितम की जानकारी पूरी दुनिया को दी। उसके बाद अतीना को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर कार्टून के जरिए सांसदों की बेइज्जती का आरोप लगा। मुकदमा चला और सिर्फ एक हफ्ते भर की सुनवाई में ही मुजरिम करार देकर 12 साल से भी ज्यादा की कैद सुना दी गई। अतीना की सजा के खिलाफ पूरी दुनिया में आक्रोश है और खास तौर पर सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ मुहिम चल रही है।